नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। दीपिका कक्कड़ के फैंस के लिए है खुशखबरी। अब छोटे पर्दे पर एक बार फिर से छाएगा दीपिका कक्कड़ का जादू, क्योंकि बिग बॉस के बाद अब एक छोटे पर्दे के शो से दीपिका कक्कड़ की होने वाली है वापसी। बता दें, जल्द ही एक नए प्रोजेक्ट से छोटे पर्दे पर अब दीपिका नजर आने वाली है। ये शो संदीप सिकंद का एक फिक्शन बेस्ड शो होगा। दीपिका कक्कड़ के शो से जुड़ी जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग दीपिका का ये शो लव स्टोरी बेस्ड शो होगा, जिसमें लीड रोल में दीपिका कक्कड़ के साथ करण सिंह ग्रोवर दिखाई देंगे। सूत्रों की माने तो इस शो के लिए संदीप ने दीपिका को बिग बॉस हाउस में जाने से पहले ही अप्रोच किया था। बिग बॉस से बाहर आने के बाद दीपिका संदीप से उनके शो को लेकर बात करना चाहती थी, लेकिन फिर उन्हें लगा कि संदीप ने इस शो के लिए कास्ट का चुनाव कई कर न लिया हो। लेकिन बाद में दोनों के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर बात हुई और दीपिका संदीप के इस शो में काम करने के लिए तैयार हो गई हैं। हालांकि दीपिका और संदीप की तरफ से इस बात की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक ये शो ऐसे कपल की कहानी है जो अपने प्यार को दूसरा मौका देना चाहता है। दीपिका को पॉपुलैरिटी टीवी शो ससुराल सिमर का में बहू का रोल निभा कर मिली थी और इसके बाद दीपिका ने बिग बॉस 12 में हिस्सा लिया और इस शो की वो विनर बनकर ही लौटी। वैसे दीपिका ने टीवी पर अपने करियर की शुरुआत नीर भरे तेरे नैना देवी से की थी, लेकिन इस शो से उनके करियर को कुछ खास फायदा नहीं हो पाया था। ससुराल सिमर का से दीपिका को अच्छी पहचान मिली और वो टीवी की फेवरेट बहुओं में शुमार हो गई। काफी समय तक दीपिका इस शो का हिस्सा बनी रही थी, लेकिन बाद में दीपिका ने इस शो को अलविदा कह दिया था। बिग बॉस 12 को जीतने के बाद दीपिका कक्कड़ अब छोटे पर्दे पर एक रोमांटिक शो से वापसी करने वाली हैं। देखा जाए तो दीपिका इन दिनों अपने पति शोएब इब्राहिम के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताती नजर आती हैं। पिछले दिनों दीपिका अपने पति शोएब के साथ अजमेर शरीफ भी गई थी और अब जो ताज़ा खबर मिली है उसके बाद यकीनन दीपिका के फैंस की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय बाद दीपिका अब डेली सोप के जरिए छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।